रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की तरफ, जहां दबंगों ने वृद्ध व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के चौकी काजी कमालपुर के अंतर्गत ग्राम टिकरा जारा का यह मामला सामने आया है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बाकेलाल सन ऑफ मोहन को गांव के ही कुछ दबंगों ने लाठी डंडों लात घूंसे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के अनुसार इस जमीनी का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, लेकिन यह दबंग कानून को ताक पर रखकर कानून पर भरोसा न करते हुए स्वयं निर्णय लेने को उतारू दिखे और वृद्ध व्यक्ति बाकेलाल को बीती रात पीट पीट कर जान से मार डाला। आपको बताते चले कि अभियुक्त नरेंद्र गुप्ता जो हरदयाल के पुत्र हैं, बल्लभ कुश जो कि नरेंद्र के पुत्र हैं, इसके साथ ही अनूप पुत्र नरेंद्र लालू और नरेंद्र छोटू उर्फ विमला पुत्र नरेंद्र गुप्ता मृतक के पुत्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उपर्युक्त अभियुक्तों पर एक FIR दर्ज करी गई है। पीड़ित को पुलिस की कार्यशैली पर भी शंका है, उसने अपनी शंका जताई है। देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या फिर कोई बात और सामने आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। हम आपको आज एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जो जमीन का मामला इतना संगीन मामला हो गया कि एक वृद्ध व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। क्या कोई भी जमीन इतनी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के जान की कोई कीमत ही नहीं है? जानकारी के अनुसार यह ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर की चौकी काजी कमालपुर के अंतर्गत टिकरा का है, जहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति को पुरानी जमीनी विवाद के चलते 70 वर्षीय व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट पीट कर दबंगों ने मौत के घाट उतार दिया। आइए हम आपको कुछ यहाँ का माहौल दिखाते हैं, कितना गमगीन माहौल है, दिखाइए जरा। आप उधर करो, इधर हमारी तरफ। हाँ, हम आपको रूबरू कराते हैं मृतक के पुत्र से, उससे जानकारी लेंगे कि ये मामला क्या है और कैसे क्या हुआ। आइए कैमरामैन से कहते हैं, हाँ भैया बताओ क्या हुआ, किसने मारा है? नरेंद्र के चारों लौंडा ये रहिया, उनके लड़कों के क्या नाम है? कुछ नाम है अनूप, छोटू और अनूप, कुछ छोटू और एक जने का नाम कुछ नहीं देखा हूँ, अनूप। अच्छा, कुल कितने लोग हैं? पांच लोग हैं। हाँ। या पांचों लोगों के नाम आपने FIR कर दिया? पांचों जने FIR कर दिए। अच्छा, वो पांचों लोग पकड़े गए हैं? पांचों लोग पकड़े गए वही थाने में पर। अच्छा, शुरू से बताइए कि ये मामला क्या था, क्या मामला था लड़ाई का? कही तो फिर हम कहीं हमारे कारखाना खाली, हमारे खाली करो यो। अच्छा, कारखाना हमारे रोज आवर रहे, धमकावती रहे। हाँ। अब कल मौका पाई के तो मार डरी ने मेरे दादा कही। अच्छा, आपके पिताजी जो थे यहीं पर थे? यही रहा। ये जरा दिखाइए मौका वारदात मामला, देखिए ये दिखाओ जरा। पुलिस
पुलिस जो है आपसे माफी काम कर रही है या नहीं? माफी का भाई ना है भाई, मैं बंद कर दी ले का पता नहीं कैसे काम मिला कर रहे। अच्छा, मतलब आपको पुलिस के कार्यों पर मतलब श्रद्धा है? अब हमका ना विश्वास है, पुलिस पर विश्वास नहीं है। मतलब क्या मामला, क्या विश्वास नहीं है? विश्वास है, पहले वो नकल मिले उनका देखी काम मिला है माँ बनाई। अच्छा, अब तब मारे डारी नहीं है, लोगों ने मार दिया है ना? मारी डारी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, आपके आपके लिए न्याय हो ना? मेरे को न्याय होगा चाहिए, बस चाहिए। आपका क्या नाम है? पृथ्वी कुमार है। कौन सा काम? ये आपके पिताजी का क्या नाम था? बाकेलाल है। बाकेलाल, और आप उनके पुत्र हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? विष्णु। कौन सा गाँव है? टिकरा। टिकरा गाँव। कौन सा गाँव है? इमिलिया सुल्तानपुर। जनपद सीतापुर। एक बार और दिखाइए, यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी संख्या में भीड़ है कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। आपको मृतक के भाई से बात कराते हैं कि उनका क्या विचार, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके छोटे भाई हैं। हाँ बताइए चर्चा, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं कुछ तो बताइए, किस तरह से कांड हुआ, क्या कांड हुआ है? वैसे जगह का विवाद है, ये जगह का विवाद था, तो इस जगह के विवाद के लिए मतलब जो है उन लोगों ने आपके भाई को मार दिया। एक जन वही से बुलाई लेगा। अच्छा, उनका तेरे पाई गए हम उनका उनका ही मारते। अच्छा, मतलब आपके भाई को अकेले पा करके उन्होंने उन लोगों ने। अच्छा, मारने वाले कौन है? लवकुश वही से बुलाई लेगे। अच्छा, अनु को वो ना उनका करना भाई दी हटाए थे, उनका पाई गए उसके घर में लालू और वो चार लोग हैं। चार लोग रहन लेकिन बघाल। अच्छा, पाँच लोग बाकी लवकुस बुलाए लेके रहे वैसे इनका सबका कहीं अब हमारे तुम्हारे फैसला हो जाए वैसे बुलाए लेके पहले से पीछू अब चले वही रह गए यहाँ उसके देर में यहाँ ये काम कर दिए। अच्छा, नहीं इसमें जो बाप लोग मिलकर के मारा है? हाँ, वो सब मिलके रहा। अच्छा, ये बताइए मारा कहा, लाठी डंडों से मारा है या कि ऐसे लात घुसे मारी? नहीं, लात घुसे से मारा है। कुछ मार देने यहाँ पर खपड़ी में यहाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये बताइए मृत्यु कहाँ हुई है, या अमल मौके पर हुई है या कहीं अस्पताल वगैरह में? यहाँ सेम लाट ले गए हम अस्पताल गेट पर पहुँचे हुए, अस्पताल के गेट पर उनकी मृत्यु ले गए। पहले थाने में कहीं दिन ले जाओ रिपोर्ट घुमा, पहले अस्पताल ले जाओ यहाँ नहीं लिखी गई। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति को जमीन के लिए, मामूली जमीन के लिए किस तरह से बेचारे एक वृद्ध व्यक्ति को जिनकी उम्र कितनी उम्र थी मरने वाले की? 70-75 वर्ष के वृद्ध की किस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी। लगता है कि शासन में, भाजपा शासन में भी गुंडों के हौसले बुलंद हैं। इतना शासन की तरफ से इतनी शक्ति होने के बावजूद भी इन गुंडा और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को ताक में रख कर के काम कर रहे हैं, जिनको कानून का कोई भी भय नहीं है। आप देख रहे हैं R9 भारत, कैमरामैन उमेश सिंह के साथ मैं सर्वेश दीक्षित, तहसील मोहली सीतापुर उत्तर प्रदेश।